बादल साहब की जिंदगी दे जां बादल साहब के सुना दे विचों एक लाइन सिर्फ एक लाइन जां उन्हां दे 10 मिनट की लाइफ का पाठ असी आपके जीवन के उत्ते लागू कर लिए ते असी तर इन्ने पंक्चुअल ते इन्ने वड्डे विजन वाले ते इमीजिएट सल्यूशन वाले मनुख मैं अपनी जिंदगी दे विच नहीं देखे। इन्नी एडवांस सोच सी कि अज इन्हां दे मुकाबले दे लीडर बहुत गिनवे चुनवे आ। पिछलिया दहाकों के अग लगी सी पंजाब दे विच उन्हूं बुझाउण वास्ते वो बलदे कोलियां नूं शांत करन वास्ते बादल साहब ने अपने जीवन का बहुत वड्डा ते अनमोल समां सानूं दित्ता। बादल साहब वर्गी शख्सियत हर सदी दे विच बहुत थोड़े जे बंदे फ्यू मैनस जिहड़े आ पैदा करदा रब। सरदार प्रकाश सिंह बादल एक नैशनल शख्सियत सन। जे असीं बादल साहब दी जिंदगी जां असूलां दी एक लाइन भी अपनी जिंदगी विच लागू कर लईए तां असीं तर जावांगे। ये भावुक बोल ने सनी गिल होरां दे जिहड़े कि अज पिंड बादल विखे अंगीठा संभालण दी रस्म मौके पहुंचे अते उन्हां दे वल्लों परिवारिक मैंबरां नाल दुख वी सांझा कीता गया। सारा परिवार हाजिर है जी। सर सुखबीर सिंह जी, बादल साहब, बीबा हरसिमरत जी, सर देश प्रताप कैरों जी, बीबा पनीत जी, अनंत जी, अपना मनप्रीत सिंह जी, उन्हां दी फैमिली, सारे परिवार, लाली जी, सारा बादल परिवार, चाहे मतलब वो किसी भी पार्टी नाल संबंधित आ, अज अंगीठा साहब के उत्ते हाजिर होए ने फुल्लां दी रसम के उत्ते। ये छोटियां गल्लां जी। पार्टी जे आप गल करिए बादल साहब एक बहुत वड्डी शख्सियत सी जी, नैशनल शख्सियत। बादल साहब वर्गी शख्सियत हर सदी दे विच बहुत थोड़े जे बंदे फ्यू मैनस जिहड़े आ पैदा करदा रब। जिहड़े थोड़े जे कोई बंदे पैदा होए सी इस सदी दे विच पिछली दे विच, उन्हां दे सरदार बादल साहब जिहड़े सर प्रकाश सिंह जी बादल, उन्हां सारयां दे विचों इक सी जिन्हां ने इस मुल्क वास्ते, सारे किसानां वास्ते, मजदूरां वास्ते, व्यापारियां वास्ते, फिरकू सद्भावना वास्ते अपनी जिंदगी जिहड़ी आ सारी लाती। 70 साल आपदी लाइफ दे लाते, 15-16 साल जेल भी कट्टी, आपदी बेटी दे व्याह दे मौके भी वो जेल दे विच सीगे। अपनी सारी लाइफ उन्होंने पंजाब दे विकास वास्ते, पंजाब दे भविख वास्ते, किसानां दी ग्रोथ वास्ते, किसानां दी भलाई वास्ते, नौजवानों की भलाई वास्ते, तो सब तो वड्डी गल फिरकू सद्भावना वास्ते जिहड़ी साडे पिछलिया दहाकों के अग लगी सी पंजाब दे विच उन्हूं बुझाउण वास्ते वो बलदे कोलियां नूं शांत करन वास्ते बादल साहब ने अपने जीवन का बहुत वड्डा ते अनमोल समां सानूं दित्ता। विकास बारे तो वह कहिंदे सी मैं सीएम बन गया तो मेरी ये ड्यूटी आ, उन्हां जिन्ना विकास भी कोई नहीं कर सकता। 70 सालों के जिन्नियां सरकारां आईयां, मजोरिटी टाइम जिहड़ा कांग्रेस ने राज कीता पंजाब दे उत्ते, पर बादल साहब ने थोड़े समय दे विच भी उन्हां 50-60 सालों के बराबर इन्हां ने विकास किया, बराबर की उस तो भी वध विकास किया। इन्हां दी बहुत वड्डी सोच सी, इन्नी एडवांस सोच सी कि अज इन्हां दे मुकाबले दे लीडर बहुत गिनवे चुनवे आ। तुसीं इन्हां दी शख्सियत दा इत्थों ही अंदाजा ला सकदे आ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने सारे प्रोग्राम छड्ड के बादल साहब दे आए इत्थे अफसोस करन, ते तुसीं देखो इमीजिएट आए सारी भाजपा प्रधान, सारियां पार्टियां दे लीडर, सीएम साहब, सारे बाकी स्टेटां दे भी सीएम, सारे अपने रजेवे छड्ड के आए। वो किड्डी वड्डी शख्सियत सन, जिन्ना उन्होंने किसानी वास्ते योगदान पाया चौधरी चरण सिंह जी नाल, देवी लाल चौटाला जी नाल, उन्हां दा बहुत वड्डा साथ सी चौधरी साहब दे नाल, चौधरी साहब दे परिवार नाल, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी नाल, अभे चौटाले भाई साहब नाल, इन्हां दा बहुत ज़्यादा प्यार सी उस परिवार नाल भी, क्योंकि सारे मिल के किसानी के भले वास्ते इन्होंने अंदोलन चलाया, किसानी के भले वास्ते इन्होंने स्कीम लाइया। अज भी जिहड़ियां सारियां गौरमेंटां इन्हां दियां लागू कीतियां होईयां स्कीमां नूं ही लागू कर रही, चाहे वह संगत दर्शन आ, चाहे वह आटा दाल स्कीम आ, चाहे वह कोई भी स्कीम जिहड़ियां इन्होंने शगन स्कीम आ, बच्चों की पढ़ाई दियां स्कीम आ, एक इंश्योरेंस दिती इन्होंने किसानों नूं वह स्कीम आ, चाहे जिहड़ा इलाज कराउण वास्ते गरीबां नूं इन्होंने इंश्योरेंस दिती वह स्कीम आ, इन्होंने मतलब आपां गिणी चलीए तो बहुत थोड़ियां चीज़ां उहदे वास्ते बादल साहब कहिंदे सी इह तां मेरी ड्यूटी आ। किसानों नूं बिजली फ्री दिती, जिहड़ा भी थुड़ों वाला पार्ट सी समाज का उन्हूं इन्होंने उत्ते चक्कण वास्ते अपना वध तो वध योगदान पाया। बादल साहब की जिंदगी दे जां बादल साहब दे सुनां दे विचों एक लाइन सिर्फ एक लाइन जां उन्हां दे 10 मिनट की लाइफ का पाठ असी आपके जीवन के उत्ते लागू कर लिए ते असी तर जी। इन्ने पंक्चुअल
ते इन्ने वड्डे विजन वाले ते इमीजिएट सल्यूशन वाले मनुख मैं अपनी जिंदगी दे विच नहीं देखे। कोशिश करांगे उन्हां दे दसे हुए पूर्णियां दे उत्ते चलदे श्रोमणी अकाली दल दी ग्रोथ वास्ते, श्रोमणी अकाली दल की चढ़ाई वास्ते, सात सुखबीर सिंह जी बादल साहब नूं मुख्यमंत्री बनाउण वास्ते, पंजाब की भलाई वास्ते असी अपनी जीवन का वध तो वध समा लावांगे ते अपनियां अनथक कोशिशां करांगे कि असी उन्हां दे दसे हुए पूर्णां दे उत्ते चल सकी। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਨੀ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਚੇਤਨਪੁਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੈਲੀਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।